हुर्रा। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो नाटो के बारे में तो आप जानते ही हैं। नाटो एक ऐसा संगठन जो कहें कि रूस के खिलाफ खड़ा किया गया था और अमेरिका की अगुवाई है। 32 देश इसमें शामिल है। लेकिन नाटो इन दिनों बड़ा टेंशन में है। अमेरिका टेंशन में है, ब्रिटेन टेंशन में है और नाटो के बाकी सदस्य टेंशन में हैं। एक खबर जो सामने आई उस वजह से टेंशन में है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार चल रहा है और इस बीच ब्रिक्स समिट भी हो गया, उस पर शांति की बातें भी हो गई, लेकिन युद्ध जो है वो ऐसा लग नहीं रहा है कि थमेगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि थमेगा नहीं और बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इसका रुख हो सकता है? ये बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद मौजूद हैं। आनंद, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, क्यों निकलकर सामने आई, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ये तो सब जानते हैं कि रूस का सहयोगी है उत्तर कोरिया। जी ठीक है। और अगर उत्तर कोरिया मैदान में अगर उतरता है वो, तो कहीं ना कहीं विश्व जो युद्ध चल रहा है वो उसका दायरा बढ़ेगा, और दायरा बढ़ेगा तो इसका प्रभाव किस किस जगह पर पड़ेगा, किस किस क्षेत्र में पड़ेगा, किस किस देशों पर पड़ेगा, तो यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्रों पर पड़ेगा। यूरोप में आपका 44 से 46 देश हैं, ठीक है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुल 38 देश हैं, तो कुल मिलाकर के बहुत सारे जो देश हैं इससे प्रभावित होंगे। तो आनंद, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने जैसी परिस्थितियां अब बन रही हैं। दरअसल क्यों बन रही हैं, खबर क्या निकलकर सामने आई? खबर ये निकलकर सामने आई है कि उत्तर कोरिया जो जहां के शासक जो हैं वो किम जोंग उन हैं, जिनको तानाशाह कहा जाता है, वो अब रूस के साथ, पुतिन के साथ और पुतिन की सेना के साथ खड़े हुए हैं। अपने सैनिकों को उन्होंने रूस भेजा है ट्रेनिंग के लिए, और ये खुलासा हुआ है उत्तर कोरिया या रूस की तरफ से नहीं, ये हुआ है साउथ कोरिया की तरफ से खुलासा। बिल्कुल, उत्तर कोरिया का जो पड़ोसी देश है जी दक्षिण कोरिया, उसने एक खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसमें ये रिपोर्ट में साबित किया गया है कि 1500 जो विशेष सैनिक है वो पिछले हफ्ते रूस गए हैं, और वो किस लिए गए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए हैं। लेकिन इस बयान के, इस सार्वजनिक रिपोर्ट होने के बाद फिर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने इस पर बयान दिया और उन्होंने बताया है कि कुल 10 से 12 हज़ार सैनिक शामिल हो रहे हैं रूस के साथ यूक्रेन से लड़ने के लिए। रिपोर्ट दरअसल ये है, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये अभी ट्रेनिंग मोड में चल रहे हैं और रूस में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। रूस के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी तो मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन मैदान में उतरने की तैयारी। बिल्कुल, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है कि इनकी ट्रेनिंग चल रही है और काफ़ी तादाद में सैनिक दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100-200 सैनिक दिख रहे हैं वीडियो में, वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। खबर तो ये भी थी आनंद कि ये इसकी स्क्रिप्ट जो है ये अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में हो गया, ये स्क्रिप्ट शायद 3 महीने पहले जब किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात हुई थी, बिल्कुल तब शायद इसके हुई थी। लेकिन उस समय भी किम जोंग उन ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उत्तर कोरिया ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, और अभी भी इसकी पुष्टि नहीं की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, रूस ने भी साफ नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रूस ने नकारा है उसने, लेकिन ये बात भी कही है ना कि जब से यूक्रेन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, 1000 दिन पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द ये इनकी जो जंग है इसमें, और रूस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी सैन्य सहयोग की बात तो भले ही नहीं है, लेकिन हमारे संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ हुए हैं, हमारे इसमें और प्रगाढ़ता आई है। तो ये प्रगाढ़ता क्या बताती है भाई? अगर रूस ये कह रहा है, भले ही मान नहीं रहा है कि हमारे पास हमारे यहाँ सैनिक हैं, लेकिन अगर ये प्रगाढ़ता है तो ये तो मायने यही हुए। बिल्कुल, इसीलिए तो फिर अब देखिए इस पर अमेरिका का भी बयान आ गया। अमेरिका का कहना है कि अगर रूसी सेना यूक्रेन अगर टारगेट करता है उत्तर कोरिया और रूस,
के साथ मिल करके अगर यूक्रेन को टारगेट करता है तो वो टारगेट कहीं ना कहीं अमेरिका भी होगा, और अमेरिका के साथ साथ पूरे नाटो देश होंगे। नाटो में 32 देश हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश 32 देश प्रभावित होंगे। तो इस मुद्दे इसको देखते हुए भी क्या बोलते हैं, अमेरिका टेंशन में है, और प्लस उधर ये जो उत्तर कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया ने भी इसको लेकर के ये बयान जारी किया, बोला कि अगर इस तरीके का अगर जंग होती है तो मैं यूक्रेन के साथ आऊँगा। ये बड़ी खबर है, मैं यूक्रेन के साथ आऊंगा और यूक्रेन के साथ मैं भी जंग लड़ूंगा। लेकिन रशिया की तरफ से ये भी कहा गया इसी मामले को लेकर कि हमारे उत्तर कोरिया से संबंध है, लेकिन ये जो है कहीं भी किसी भी प्रकार से दक्षिण कोरिया के जो हित हैं उसको प्रभावित करने वाले नहीं हैं, ये बात कही गई। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये तो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और आनंद, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है और जो खबर निकलकर सामने आई वो ये आई कि उत्तर कोरिया के जो सैनिक हैं वो रूसी वर्दी में लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी सैनिक जो दिख रहे हैं वो रूसी वर्दी में ही दिख रहे हैं। हाँ। और रूसी हथियारों के साथ ही लैस होंगे और हाँ। मैदान में उतरेंगे। हाँ, लेकिन रूसी हथियार तो क्या केवल ये खबर मतलब केवल सैनिक सैन्य सहायता या सैनिकों के रूप में दिया जा रहा है या फिर हथियार भी देने के लिए तैयार? बिल्कुल, हथियार सब चीज, अगर रूस अगर वो लड़ने जा रहा है, देखिए कहीं ना कहीं ईरान तो उसका सपोर्ट कर रहा है हथियार देने के मामले में, और ये उत्तर कोरिया ने सैनिक भेज दिया, ठीक है, और वो जो सैनिक जब जाएंगे वहाँ पर लड़ेंगे तो रूसी वर्दी में लड़ेंगे और रूसी हथियारों के साथ लड़ेंगे। रूसी हथियार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर रूस में जाकर के लड़ रहे हैं तो वो भी जो हथियार हैं उपलब्ध कराएंगे, रूस के सरकार ही उपलब्ध कराएगी, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये बड़ा गंभीर मसला हो जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा चुका है कि ये स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रिटेन की तरफ से कहा जा चुका है कि अगर उत्तर कोरिया उतरता है तो परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं, और परिस्थितियां किस कदर बिगड़ सकती हैं इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि न केवल उत्तर कोरिया बल्कि रशिया के पास तो सपोर्ट कई सारे देशों का है, जिसमें चाइना भी सपोर्ट में है, ईरान जो है वो भी सपोर्ट में है, एक तरफ जो मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है और जो लड़ाई चल रही है उसमें भी रशिया सपोर्ट कर रहा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है और खुले मंच पर सपोर्ट कर रहा है, उस साफ बोल रहा है कि अगर ईरान चाहता है तो नाटो बनाम रशिया होने वाला है या नाटो बनाम कुछ और? नाटो बना क्रिक होने वाला है। क्रिक, ये क्रिक ये क्या है? क्रिक का मतलब ये है क्रिंक, 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 हाँ क्रिंक है, बिल्कुल क्रिंक है, और ये क्रिंक का मतलब ये हुआ कि चाइना, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अच्छा, ये जो अगर विश्व युद्ध, देखिए CRINK आप कह रहे हैं, बिल्कुल CRINK का मतलब सी से चाइना, आर से रशिया, रसिया, आई से ईरान, ईरान और एन के का मतलब नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बिल्कुल। तो अच्छा, ये आप जैसे बोल रहे हैं कि विश्व का युद्ध का दायरा बढ़ेगा, जंग और विशाल रूप लेगी, भारत, तो फिर भारत कहाँ है? भारत अगर इस क्रिक से एकदम दूर है, भारत का कहना है कि अगर ये विश्व युद्ध से तो वो एकदम, देखिए इस मामले से एकदम दूर है, कहीं भी उसने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि किसी के पक्ष में जा रहा हो, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, वो किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष है। लेकिन भारत ये जो जब ये सैनिक चले गए, मतलब वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उत्तर कोरिया के सैनिकों का, तब भारत का एक बयान आता है, भारत का कहना है कि मेरे जो लोग हैं जो गलती रशिया में जो गलती से पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत पहले आप खबर सुने होंगे कि काम को लेकर के वो लोग रशिया पहुंचे हुए थे, जहां पर उनको जबरदस्ती सेना में शामिल कर दिया गया, तो उसको लेकर के भारत ने बोला है कि भारत का एकदम स्पष्ट कहना है कि मेरे लोगों को आप वापस करिए, क्यों? तो क्योंकि वो जंग से एकदम दूर रहना चाहता है, वो जंग से दूर रहना चाहता है। लेकिन अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के देखिए कई सारे मुल्क जो हैं वो तो आपने बता दिया, इसमें एक अहम बात है, एक देश है भले ही छोटा है लेकिन उसकी अहमियत बड़ी है, और वो है जापान। जापान की क्या परिस्थिति, भूमिका देखते हैं? जापान तो देखिए अमेरिका के साथ है, वो नाटो में भी है, ठीक है, तो नाटो देशों का सहयोग करता है और उसमें है भी, तो वो सीधे सीधे एकदम स्पष्ट से दिखता है कि वो यूक्रेन के सपोर्ट में है और यूक्रेन का ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर देखिए ये भी है कि अगर साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जापान हो गया या साउथ कोरिया हो गया,
या फिर फिलीपींस हो गया, वो चाइना जो है उनको एक प्रकार से बार 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 टेंशन में डालने की कोशिश करता रहा है वहाँ। बिल्कुल, तो ये एक वजह भी हो सकती है। बिल्कुल वजह हो सकती है। और देखिए उत्तर कोरिया तो साफ एकदम खड़ा हो गया, उतर गया है, और लेकिन भले स्पष्ट रूप से नहीं बोला है लेकिन साफ दिख रहा है कि पहुंच गए हैं सैनिक, परमाणु हथियार भी दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए युद्ध का दायरा अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हथियारों का भी फिर उसमें आधुनिक जो हथियार हैं वो शामिल होंगे, उसमें शामिल इन द सेंस की उसके भी उपयोग किए जाएंगे, उसका उपयोग किया जाएगा। और देखिए एक और जानकारी, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो 10,000 या 1500 जो भी संख्या अलग अलग ज़रूर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 नवंबर से ये मैदान में उतरेंगे। और कौन से मैदान में, कुर्स्क में कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये कहना सही है। और वो जो क्षेत्र है वो उसको कब्जा करने के लिए ही ये पूरा प्लान तैयार किया गया है कि उसको फिर से अपने कब्जे में लिया जाए। फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन ने उसको फिर से अपने कब्जे में ले लिया। 6 अगस्त का दिन था, और देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 6 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आनंद, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि रूस की धरती पर इतने भीतर तक कोई घुसकर आ गया यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात की यूक्रेन ने तब जब मैंने आपसे सवाल किया कि परमाणु का, तो यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि कुर्स्क का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रशिया का, वहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी जिसे नाकाम कर दिया गया। और उसी को लेकर के पुतिन ने भी बहुत एकदम बौखला गए थे कि ये परमाणु आतंकवाद इसे कहा गया। बिल्कुल परमाणु आतंकवाद कहा गया, और इसको लेकर के उन्होंने फिर चेतावनी भी जारी की कि अगर उस पर हमला होता है हम भी अगर ऐसा करें तो फिर क्या होगा, क्या होगा फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल देखिए ये परिस्थिति बन रही है। और इस बीच अमेरिका की तरफ से भी बयान आया, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा, अगर ऐसा होता है तो फिर हम जिस तरीके से जवाब देंगे, फिर अगर वहां पर रशिया के सैनिकों के साथ अगर उत्तर कोरिया के सैनिक हैं तो उनके ऊपर जो जवाबी कार्रवाई होगी तो फिर उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थितियां कुछ और बन सकती हैं? क्रिंक की बात आनंद कर रहे थे, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में नाटो बनाम क्रिंक ही होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर देखिए विश्व युद्ध तो लोग बोलेंगे विश्व युद्ध 3 शुरू हो गया है, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, और अब ये जो दायरा बढ़ रहे हैं, अब देखिए कहीं ना कहीं अगर ये उत्तर कोरिया अगर आ जाता है, अभी तो स्पष्ट नहीं किया लेकिन अगर स्पष्टीकरण दे देता कि हाँ हम आ गए हैं मैदान में, खुले मंच पर उतर गए हैं और रूस का एकदम मैदान से लेकर के हर जगह पर सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दायरा बढ़ेगा। तो अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका देखिए अभी तो हथियार दे रहा है, उतारा नहीं है, अपने सैनिकों को नहीं उतारा है। अमेरिका तो बहुत पावरफुल है, अगर वो चाहे तो फिर। लेकिन एक बात ये है, देखिए दिलचस्प क्या है कि ये यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, इसमें अमेरिका ने सपोर्ट तो पूरा किया है, हथियार भी पूरे दिए हैं, मिसाइलें दी हैं, तमाम चीज़ें दी हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से या नाटो की तरफ से फौज नहीं उतरी। बिल्कुल फौज नहीं उतरी, उसको अकेले लड़ने के लिए ही दे दिया गया है, उसको आर्थिक से लेकर के आधुनिक हथियारों तक उसका सहयोग किया है, लेकिन वो खुद नहीं उतरा है। लेकिन यूक्रेन ने बीच में देखिए अब क्या एक चीज और हो सकती है, और जो जानकारी आई यूक्रेन ने दरअसल बीच में ये मांग की थी अमेरिका की तरफ से, अमेरिका से ये मांग की गई थी कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रदान की जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर युद्ध को और आग देंगे, मतलब और अगर वैसे भी अगर आनंद देखा जाए तो वो अगर बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है तो वहीं तक चलना, अगर लॉन्ग रेंज करेंगे तो फिर आप मॉस्को और मतलब बिल्कुल बहुत सारी क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भाई आम आदमी जहां रह रहे हैं उनको भी इससे झेलना पड़ेगा, जैसे कि आप ईरान और इसराइल और हमास वाले युद्ध में देख रहे होंगे। लेकिन एक चीज और है कि अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल की क्या अब परिस्थिति, जब उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया इसमें शामिल हो सकता है, तो क्या अमेरिका की तरफ से ये परमिशन दी जा सकती है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर लो? हो सकता है परमिशन भी दे सकती है, और हो सकता है कि किसी एक ऐसे देश को जो जैसे कि जो उनके सहयोगी देश हैं, हो सकता है कि वो लोग भी आकर के
मैदान में उतर जाए। और सेनाएं उतर सकती हैं क्या? बिल्कुल उतर सकती हैं, इसलिए क्योंकि देखिए अगर उत्तर कोरिया, जब तक उत्तर कोरिया इसकी स्पष्टीकरण नहीं करती है तब तक तो अमेरिका अभी कुछ नहीं बोलेगा। जहां से और देखिए ऐसा भी नहीं है कि मैदान में उत्तर कोरिया उतर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा तो है नहीं। अमेरिका का साफ कहना है कि जिस तरीके से मैं रूसी सेना के साथ व्यवहार कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं उत्तर कोरिया के सेना के साथ भी वही व्यवहार करूंगा। लेकिन लेकिन ये भी तो जानकारी है कि रूसी वर्दी में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया और रशियंस को मैं अंतर करना मतलब कोई ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बड़ी वो काम है कि आप पहचान नहीं पाएंगे, एकदम फेस से पहचान जाएंगे कि कौन उत्तर कोरिया का है और कौन रूस का है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अगर उत्तर कोरिया सेना यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैनात होते हैं तो वो भी टारगेट बनेंगे और उसी तरीके से हम लड़ेंगे जैसे रूसी सैनिकों से हम लड़ रहे हैं, और इस मामले पर गंभीरता बनाए हुए है अमेरिका। और अभी तक ये नहीं पता है कि ये सैनिक रूसी सेना के साथ मिलकर उत्तर कोरिया की सेना युद्ध करेगी या नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिका भी ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो चिंताजनक, वो रिपोर्ट पर ही चिंताजनक किया है, विश्वास वीडियो पे उसने नहीं किया क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी पुष्टि न्यूज 18 भी नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मॉस्को तब से ही सहयोगी है जब से उत्तर कोरिया की स्थापना हुई थी। ये कौन कह रहा है? ये रूस कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध ने दोनों को और करीब ला दिया है। ब्रिटेन भी चिंता जता रहा है लेकिन रूस कह रहा है कि हम करीबी हैं, बहुत करीबी हैं। तो ये क्रिंग्स की बात जो सामने आई है ना, ये बड़ी बड़ी खबर है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले ब्रिक्स बैठक होता है, उसमें 28 देश के प्रमुख शामिल होते हैं, और उसी के बाद इस बैठक के बाद ही ऐसी खबर निकलती है कि उत्तर कोरिया की जो सेना है वो रूस की धरती पर उतर गई है। तो ऐसे ही तो ब्रिक्स सम्मेलन से ही वो परेशान था, यूरोपीय देश पश्चिमी देश इससे बैठक से ही परेशान था, तब तक ये खबर सुनने में आ गई कि उत्तर कोरिया। ये बैठक उस वक्त में हुई जब वॉर चल रहा है, ईरान और इसराइल के बीच टेंशन बनी हुई है, यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बीच ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है और उसमें क्या है, उसमें रशिया समर्थित, देखिए इसमें भी ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो रशिया समर्थित अगर ज़्यादा देश हैं, जिसमें क्रिंक की बात हुई तो बात हुई है चाइना, रशिया और इसमें एक ईरान भी है, तो ये तीन तो ये और चौथा जो है नॉर्थ कोरिया है। तो आगे क्या परिस्थिति बन सकती है और अगर विश्व युद्ध थ्री होता है, वर्ल्ड वॉर थ्री अगर होता है, धीरे शुरू होगा अगर, हाँ बिल्कुल अगर होता है तो यही दो गुट लड़ेंगे, नाटो वर्सेस क्रिंक। तो हाँ यही दोनों में अगर विश्व युद्ध थ्री अगर होगा छिड़ेगा तो ये दोनों वर्सेस होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर थ्री जैसी सिचुएशन बन रही है, क्या परमाणु हथियार जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा या उनसे जंग होगी, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, नाटो बनाम क्रिंक होने वाला है क्या? आप भी लगातार नज़र रखते हैं, बारीकी से खबरों पर नज़र रखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमको हम तक पहुँचा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है और भारत इसमें कहाँ पर आपको नज़र आता है। फिलहाल आज के वीडियो में चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार।